दोस्तों, आज की इस बदलते हुए जमाने में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसे डीजे पसंद नहीं होगा। आज की युवा पीढ़ी डीजे के दीवाना हो गए हैं और डीजे के बिना शादी छठी जैसे कार्यक्रम बिल्कुल अधूरा सा लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह डीजे फैक्ट्री में कैसे तैयार किए जाते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश पटेल और आप देख रहे हैं हिंदी फैक्ट 2। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, डीजे बनाने के लिए कारखाने में पहले स्पीकर को बनाए जाते हैं और दोस्तों, स्पीकर बनाने के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक स्ट्रक्चर को तैयार किए जाते हैं, जिसके लिए आयरन के दो प्लेटों को आयताकार शेप में कटर मशीन के हेल्प से काटा जाता है और इस आयरन के प्लेटों को घिस घिस कर ब्लेंडर मशीन से चिकना किया जाता है। और दोस्तों, अगली प्रोसेस में इन आयरन के प्लेटों को आपस में चिपकाकर स्क्रू से अच्छी तरह से टाइट कर लिया जाता है और अगली प्रोसेस में प्लास्टिक से बने बास्केट को ग्लू के हेल्प से आयरन के साथ आपस में जोड़ दिया जाता है और इस प्लास्टिक बास्केट को मोल्डिंग प्रोसेस द्वारा गर्म पानी से धोकर यूज किया जाता है और आयरन की प्लेट तथा प्लास्टिक बास्केट के मजबूती के लिए स्क्रू से टाइट कर लिया जाता है। और तब दोस्तों, इन स्पीकरों में चुंबकीय गुण लाने के लिए इन पर हाई वोल्टेज करंट को सप्लाई कर दिया जाता है, जिससे इन स्पीकरों में चुंबकीय गुण आ जाते हैं। और इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद तांबे के तार को वॉइस क्वाइल पर लपेटा जाता है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और इस वॉइस क्वाइल को स्पीकर में फिट कर दिया जाता है। और वॉइस क्वाइल को फिट करने के बाद इसमें फ्लेक्सिबल फाइबिक रिंग को स्पीकर में फिट कर दिया जाता है, जो कि मैग्नेट और वॉइस क्वाइल बीच के सामंजस्य को बिठाए रखती है। और अगली प्रोसेस में स्पीकर के पर्दे यानी कि कोन को बनाया जाता है। जनरली इन पर्दे को एक पतली फाइब्रिक सीटों से तैयार किए जाते हैं, जिन पर वर्कर द्वारा हाथों से डिजाइन किए जाते हैं। और पर्दे बन जाने के बाद स्पीकर में ग्लू के हेल्प से अच्छी तरह से आपस में चिपका लिया जाता है। साथ ही वॉइस क्वाइल को डस्ट से बचाने के लिए उस पर डस्ट केप को लगा दिया जाता है। और दोस्तों, सभी प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद इन स्पीकरों में वायरिंग के काम को शुरू किया जाता है तथा ट्रांसमीटर मशीन के हेल्प से इक्वेस्टिक रूमों में इन स्पीकरों के ध्वनि को टेस्ट किया जाता है और इस टेस्टिंग के बाद सही होने पर इन स्पीकरों को पैक करके सेलिंग के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। और दोस्तों, कारखाने में स्पीकर बन जाने के बाद इन स्पीकरों के लिए बॉक्स तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए प्लाई का यूज किया जाता है और इस प्लाई को जिस साइज में बॉक्स बनाना होता है उस साइज में कटर के हेल्प से प्लाई को काटा जाता है। और दोस्तों, इन स्पीकर को बॉक्स में बिठाने के लिए आयताकार शेप में छेद कर लिया जाता है। और दोस्तों, स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो जाने के बाद उन पर पुट्टी मारकर बॉक्स के ऊपर पेंट कर दिया जाता है और डीजे के सामने वाले पार्ट में जाली को फिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपका डीजे बनकर रेडी हो चुका है। आई होप दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप डीजे बनाने का प्रोसेस को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।